नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। शाम 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ऐसी जानकारी है। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम था, यानी कि कल उनको दिल्ली आना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया, आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। अयोध्या पर्व की आज से शुरुआत होने जा रही है और शुक्रवार को सीएम धामी का दौरा टल गया था। सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। खबर यह है कि शाम को नई दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में वो शरीक होंगे और अयोध्या पर्व में शामिल होने के अलावा सीएम धामी, खबर यह है कि भाजपा अलकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव हार चुके हैं, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर इस बात पर भी चर्चा होगी। चुनाव हारे थे धामी और जिस पर मंथन भी लगातार हो रहा है कि वो सीट कौन सी होगी जहां से उपचुनाव वो लड़ेंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में जब आलाकमान से उनकी बातचीत होगी, हाईकमान से उनकी मुलाकात होगी, तो इस विषय पर भी जरूर बात होगी। कई बड़े नेताओं के साथ उनके मुलाकात का प्लान है, ये भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बहुत अहम है। वहां पर अयोध्या पर्व की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें भी वो शाम को शामिल होंगे। और इसके अलावा दिल्ली का उनका दौरा इसलिए भी खास हो जाता है कि उपचुनाव उनको लड़ना है। उपचुनाव लड़ने के लिए वो सीट कौन सी होगी, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कैंतरा जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है सीएम के दिल्ली पहुंचने को लेकर और वहां पर जाकर के किस किस से उनकी मुलाकात हो सकती है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 4 बजे राजघाट में कार्यक्रम है गांधी स्मृति और दर्शन समिति का, उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें खास एक बात यह है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को अब 6 महीने के भीतर विधानसभा का अपना चुनाव लड़ना है। ऐसे में वो केंद्रीय हाईकमान को भी कई जो है किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, साथ ही केंद्रीय हाईकमान से भी इसमें किस तरीके का निर्णय उन्हें लेना है इसमें उनकी राय ले सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अगले सप्ताह 1 महीने का कार्यकाल मुख्यमंत्री का पूरा हो जाएगा और उसके बाद अब जो सुगबुगाहट है ये है कि अगले महीने तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर सुगबुगाहट तेज़ हो जाएगी क्योंकि प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। जिन सीटों पर हार हुई है भाजपा की, उन 23 सीटों पर समीक्षा भी होनी है, लेकिन इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है और ऐसे में तमाम नेताओं से, चाहे हम गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो सकती है। इसके अलावा जो है वो तमाम और नेताओं से भी आज वहाँ दिल्ली पर मिल सकते हैं और उनसे राय ले सकते हैं कि किस तरीके से उपचुनाव की उनकी तैयारियाँ हैं और किस सीट पर इस बार जो है उनको उपचुनाव लड़ना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी निगाहें भी हैं कि पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव कौन सी सीट से लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक बात करें तो उत्तराखंड में 8 ऐसी सीटें हैं जहां से भाजपा के विधायक उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। हाल ही में रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने भी ये बात कही है कि पुष्कर सिंह धामी चाहें तो रुद्रप्रयाग सीट पर से उपचुनाव लड़ सकते हैं, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंपावत, कपकोट और डीडी हाट, इन तमाम सीटों पर भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री यहाँ से उपचुनाव लड़ सकते हैं। तो केंद्रीय हाईकमान से आज मुलाकात होगी, केंद्रीय हाईकमान का आशीर्वाद मुख्यमंत्री लेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और किस तरीके के उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जानी है उसको लेकर राय मशवरा होगा। इसके साथ ही जो संगठनात्मक बदलाव की बात भाजपा में आ रही है, जिसके लिए दुष्यंत कुमार भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इसको लेकर भी उनकी बातचीत होगी, किस तरीके से संगठन में बदलाव करने और जो हारी हुई सीट है उन पर किस तरीके से जो हार की समीक्षा है उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, उस बदलाव को भी देखा जाएगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण, 4 बजे राजघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद आज मुलाकातें होंगी। ये जो अभी तक की जानकारी है, पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में ही रात्रि प्रवास करेंगे और कल वापस देहरादून लौट जाएंगे। जी दीपा, बिल्कुल रवि, आपने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया कि उपचुनाव कौन सी सीट से वो लड़ेंगे इसको भी फाइनल करना है और इसलिए भी उनका दौरा बहुत अहम है। चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि कौन सी सीट से वो लड़ेंगे चुनाव, कौन सी सीट को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं रवि, वो भी जरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी दिल्ली में चर्चा हो सकती है हाईकमान के साथ में पुष्कर सिंह धामी की। निश्चित तौर पर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो किसको सौंपी जाएगी। इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भाजपा को बैठाना होगा, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें जिस तरीके से पदों का बंटवारा हुआ उसके बाद बगावत के शुरू हुए, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके का माहौल ना बने, इस पर एक विशेष फोकस रखा जाएगा कि किसको इस बार जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं
तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी गढ़वाल से किसी ब्राह्मण चेहरे को इस बार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जहां तक उपचुनाव लड़ने की बात है तो सबसे पहले चंपावत सीट से मुख्यमंत्री का अभी तक सबसे ज्यादा माना जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही है कि चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि 8 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया है कि वो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपनी सीट को छोड़कर पुष्कर सिंह धामी को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि इस बार पुष्कर सिंह धामी क्योंकि खटीमा से चुनाव हार गए थे, जो उनकी सीट रही है जहाँ से 2 बार विधायक जीत कर आए भी हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि अभी खटीमा पर कांग्रेस की जीत हुई है तो ऐसे में कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे अगर हम बात करें तो लालकुआं सीट है जिस पर कि मदन बिष्ट और उनके साथ में हरीश रावत वहाँ पर चुनाव हार गए थे। तो लालकुआं, चंपावत, डीडी हाट से बिशन सिंह चुपाल आते हैं। हालांकि बिशन सिंह चुपाल ने अभी तक ये बात साफ नहीं की है क्योंकि पहले अटकलें थी कि डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बिशन सिंह चुपाल ने खुलकर ये बात नहीं कही है कि वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है। भरत चौधरी रुद्रप्रयाग से विधायक हैं, उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को ये भी देखना होगा क्योंकि वो कुमाऊं से ही आते हैं, तो क्या इस बार वो उपचुनाव कुमाऊं से ही किसी सीट से लड़ेंगे या फिर कुमाऊं छोड़कर वो गढ़वाल से किसी सीट पर आएंगे, जनता उन्हें कहां पर ज्यादा आशीर्वाद देगी, कहां पर ज्यादा प्यार मिलेगा और कुमाऊं या फिर गढ़वाल से कहां से वो सीट होती है, इसी पर लगातार सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। और इस दौरे से हो सकता है कोई तस्वीर साफ हो। आप रहिए रवि हमारे साथ, आपके पास में फिर लौट करके आऊंगी, तमाम आगे बड़ी खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दे दी गई है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती पेश करने वाले यशपाल आर्य किस तरह की चुनौती का सामना करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे संवाददाता पंकज राणा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते आप। उत्तराखंड में सरकार का गठन हो गया है और सरकार अपना संचालन कर रही है, लेकिन विपक्ष के रूप में क्या भूमिका रहने वाली है उसकी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दी गई है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, किस तरह से वो अब विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्या मुद्दे उठाने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई है, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या आक्रामकता आपकी रहने वाली है, क्योंकि देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। जो ज्वलंत प्रश्न है जिससे सरकार आग मुद्दे बैठी होगी, उन मुद्दों की अनदेखी कर रही होगी, हम उन मुद्दों को सदन में प्रमुखता से हम उनको उठाएंगे और सवाब से जवाब चाहेंगे। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। क्या आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आपने कई साल तक जिम्मेदारी निभाई है, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो विधायक या जो भी नेता इस तरह कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये खुला मंच की बजाय अगर पार्टी फोरम पर ये बात रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो? नहीं, जी जी जी, मैंने सभी से कहा है, माननीय विधायकों को कुछ शिकायत है या कहीं कुछ उनकी अपनी कुछ कहना है, कुछ समस्या है, तो उनके लिए मंच है, पार्टी फोरम है और एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ कह सकते हैं। सार्वजनिक रूप से ऐसे बयानों से हम सभी को बचना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी बात को पार्टी फोरम में रखें और उसके बाद जो निर्णय है पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन अनुशासन के दायरे में हमें रखकर अपनी बात कहनी चाहिए। देहरादून से अपने चाहिए कृष्ण पलवन के साथ पंकज राणा। यशपाल आर्य ने कांग्रेस विधायकों को नसीहत क्यों दी है, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं यशपाल आर्य, तब से कांग्रेस में बयानबाजी और नाराजगी का दौर लगातार चल रहा है। अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर हाईकमान ने सिर्फ कुछ ही नेताओं की राय ली है। इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने यह कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, यानी उन्होंने भी सख्त लहजे में बागियों को इशारा कर दिया। जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है, ये बात कांग्रेस के कई नेताओं के मुंह से भी जाहिर हो चुकी है। मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
ये चीज़ें सामने आ जाएगी, हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में भी हैं। और अगर विधायक नाराज होते तो मेरे से बात होती, मैं सब विधायकों के टच में, और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई और जो नाराजियाँ थी उनको ठीक कर लिया गया है। पिछले कुछ रोज से चर्चा है कि संगठन में हुए बदलाव के बाद से कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं। हरीश धामी और मदन बिष्ट तो अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर भी कर चुके हैं। विधायकों की नाराजगी पर करण महारा का कहना है कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें थीं। न्यूज चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है, और वो हॉरिजेंटल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। वो मीटिंग कहीं नहीं हुई जिसका बड़ा जोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। करण महारा कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। महारा का इशारा आखिरकार किसकी तरफ है? महारा ने ये भी साफ कर दिया है कि बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताओं पर पार्टी की नजर है। अगर किसी को कोई नाराजी है, कोई परेशानी है, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें। मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें, अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें। लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। विधायक प्रीतम सिंह ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, मदन बिष्ट और विक्रम नेगी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि प्रीतम से अब अपने गुट के विधायकों को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के भीतर घमासान क्यों देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने से नाराजगी पार्टी के अंदर तेज हो गई है। गुटबाजी भी, और हरीश धामी जो कि धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। कई और विधायकों में भी नाराजगी की खबरें हैं। हरीश धामी नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर लगातार दावेदारी कर रहे थे, जब पद उनको नहीं दिया गया, यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी गई तो वो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने धावा बोल दिया। सिर्फ हरीश धामी नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कई ऐसे और कांग्रेस के विधायक हैं उत्तराखंड में जो इस वक्त नाराज हैं नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी, जिस तरीके से पदों का बंटवारा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी और उपनेता सदन के पद को लेकर भी नाखुश है कुछ विधायक जो पार्टी फोरम से हट करके बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनको दो टू के कह दिया गया है। करण महारा का भी बयान आपने सुना, उन्होंने भी कहा जो अनुशासनहीनता करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और यशपाल आर्य भी साफ तौर से उन विधायकों को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पार्टी फोरम से हट के बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ये कांग्रेस के भीतर जो घमासान चल रहा है वो कब जाकर के रुकेगा, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जो रुके हुए, जो नाराज बताए जा रहे थे, वो नाराज ही हैं या फिर उनको मना लिया गया है? देखिए दीपा, इस पूरे आपदा प्रबंधन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम विधायक नाराज हुए थे और ये कहा गया कि एक बैठक 10 विधायकों की होने वाली है, जो 10 विधायक के लिए तो पार्टी बना सकते हैं या फिर वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बैठक नहीं हुई है। यानी कि ये साफ इशारा है कि कांग्रेस ने इस डैमेज कंट्रोल को पूरी तरह से कवर कर लिया है और अब जो नाराजगी विधायकों की थी वो धीरे धीरे करके दूर की जा रही है। आज सुबह की अपडेट में बता दूं, आज करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और नेता प्रतिपक्ष दोनों की आज मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने बैठ के आपस में बातचीत की है, तो यानी कि ये इशारा है कि अब दोनों नेता आपस में बातचीत करके जो नाराज नेता या विधायक हैं उनको मनाने की कोशिश में जुट गए हैं। और 18 तारीख को एक बड़ी विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, उसमें सबकी नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा। ये दोनों के लिए चुनौती जरूर है, यशपाल आर्य और करण महारा के लिए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिन विधायकों ने दावा किया था, जिन्होंने कहा था कि 10 विधायक नाराज हैं, उनकी दावे किस तरह से पक्के साबित हुए ये बैठक न होने से पूरा साबित हो गया है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि संगठन में जो बदलाव हुआ है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अनुशासनहीनता को लेकर वोट पूरी तरह से कठोर है। उनका साफ कहना है कि कोई भी नेता यदि अनुशासनहीनता करेगा तो उस पर केंद्र हाईकमान की नजर है और पार्टी संगठन भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। एक कमेटी उन्होंने बनाने की बात कही है, जल्द ही इस कमेटी का गठन किया जाएगा। जिन नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस संगठन या केंद्र नेता के खिलाफ बयानबाजी की है उनकी उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर इन सभी डैमेज कंट्रोल को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पहली कड़ी नजर आ गई है कि जो नेता बैठक करने की बात कर रहे थे वो बैठक अब नहीं हो पाई।
आई है। हालांकि अभी भी देखिए दीपा, ये कहा सकता है कि कुछ अंदर खाने कोशिश की जा रही है, धड़ेबाजी बनाई जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस पूरे आपदा प्रबंधन को जो भी डैमेज कंट्रोल हुआ था वो उसको ठीक करने में कुछ आगे बढ़ गई है और जल्दी ये सब चीजें ठीक कर दी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है पंकज, डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश वहां पर हो रही है और बाहर से सब कुछ ठीक है दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर से भी वाकई में सब कुछ ठीक है क्या, सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए गृह विभाग ने नोडल विभाग बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी गृह विभाग को सौंप दी है। अब गृह विभाग ही समान नागरिक संहिता को लेकर बनाए जाने वाले कानून का प्रारूप तैयार करेगा। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की, जिसके बाद उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कॉमन सिविल कोड के लिए समिति का गठन किया गया था। हर मेले के लिए 2-2 लाख रुपए यहाँ से दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य बनने, अभी नई सरकार बनने के बाद ये हमारे सरकार का पहला बड़ा कार्यक्रम है जो कि लगभग 110 या 15 स्थानों पे किया जाएगा। 95 ब्लॉकों में तो 100% होगा, सभी 7 के 7 नगर निगमों में होगा और अभी तक 11 नगर पालिकाओं में भी हमने चिन्हित कर दिया है कि वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यात्रा के पहले ये होटल GMVN गेस्ट हाउस और टैक्सी की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये साफ है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीदें हैं और दावा ये किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वालों की तादाद करोड़ों में हो सकती है। वहीं इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये साबित हो सकती है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती है तो लोगों को सुविधा मुहैया कराने में प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत तो होने को है, लेकिन प्रशासनिक अमले के लिए ये सरदर्द बन गया एक तरीके से आप कह लीजिए। हालांकि मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को, ये कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन आप सोचिए करोड़ों की तादाद में अगर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो दुगनी तैयारी करनी होगी, मुस्तैदी के साथ तैयारी करनी होगी, कोई कोर कसर ना रहे ये पूरी कोशिश भी होगी। हालांकि आश्वस्त भी किया जा रहा है कि आप आइए, स्वागत है आपका, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन आप सोचिए जो व्यवसायी है यहाँ के वो हालांकि खुश है, लेकिन प्रशासनिक अमले के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है शुरुआत में। अब दावा ये किया जा रहा है कि मुकम्मल व्यवस्थाएं होंगी, तैयारियां मुकम्मल होंगी, अभी थोड़ा सा वक्त महज बचा हुआ है चारधाम यात्रा की शुरुआत में, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा ये प्रशासन ने आश्वस्त किया है। उत्तराखंड की और भी खबरें हैं जिनसे रूबरू आपको करवाएंगे, लेकिन इसी बीच में बिजनौर से एक बड़ी खबर है। तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा हुई है। मुनीर पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना और मुनीर के साथ ही रेयान को 5 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना। गैंगस्टर मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। साल 2016 में डिप्टी SP और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। बिजनौर से बड़ी जानकारी है, मुनीर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही देखिए मुनीर के एक साथी पर भी सजा का ऐलान हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिजनौर से आपको हम दे रहे हैं। तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा का ऐलान हुआ और साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, साल 2016 का ये पूरा मामला है। साल 2016 में डिप्टी SP और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। गैंगस्टर मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने ये सजा का ऐलान किया है, सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है, मुनीर के साथ ही रेयान को 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मुनीर को लेकर ये जानकारी है कि 10 साल की सजा का ऐलान हुआ और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजनौर से बड़ी जानकारी, तंजील हत्याकांड का ये पूरा मामला है। मुख्य आरोपी है मुनीर जिसको 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस पूरे हत्याकांड के बाद से हड़कंप मच गया था, कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। अब ये बड़ी जानकारी इसी बीच है, जो मुख्य आरोपी है मुनीर उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और 10 साल की सजा का ऐलान भी किया गया है। मुनीर का एक साथी है रेयान, जिसको लेकर भी जानकारी है, 5 साल की सजा का ऐलान उसको भी हुआ और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। बिजनौर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। गैंगस्टर मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और साल 2016 का ये पूरा मामला है, जिसके बाद से हड़कंप मचा, कई तरह के सवाल भी
खड़े किए गए हैं। साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी मुनीर 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 10 साल के लिए सजा का ऐलान हुआ है। और गैंगस्टर कोर्ट ने ही सजा का ऐलान किया है। तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर पर जुर्माना 1,00,000 का लगाया गया और साथ ही 10 साल की सजा का ऐलान भी हुआ है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। और उसका साथी रियान 5 साल तक अब जेल के भीतर रहेगा और साथ ही 50,000 का जुर्माना रियान पर लगाया गया। साथ ही 10 साल तक जो मुनीर है वो जेल के भीतर रहेगा। इसी पर सरफराज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सरफराज, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्या कहा कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि 2 अप्रैल 2016 में जो है एक एनआईए के अफसर है तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना का जो है ताबड़तोड़ गोलियों से जो है रयान और मुनीर ने जो है हत्या कर दी थी। उसके बाद जो है आज बिजनौर डीजी कोर्ट ने जो है इसका फैसला सुनाया, उसमें 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जो उसका साथी था दूसरा रयान, उसको भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका सरफराज जानकारी के।